भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात स्वास्थ्य मंत्र की। गुर्दे में पथरी की समस्या आम है, आइए जान लेते हैं कि गुर्दे में पथरी की समस्या क्यों होती है और इसके खतरे को कैसे किया जा सकता है कम। गुर्दे में पथरी होना आम समस्या है जिसके लिए जीवन शैली और आहार को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। ये असुविधाजनक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को पीठ व कमर में तेज दर्द का लक्षण होता है। गुर्दे में पथरी किसी भी आयु में हो सकती है। शरीर व रक्त में उपस्थित विजातीय और अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना, ये कार्य गुर्दे द्वारा किया जाता है। तकरीबन 10-12% पॉपुलेशन को जिंदगी में एक बार पथरी होने का खतरा ज़रूर रहता है। जो गुर्दे के रास्ते में होती हैं वो छोटी पथरियाँ भी ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक करके पूरे गुर्दे में नुकसान करती हैं। जो गुर्दे के अंदर हैं और इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी हैं और गुर्दे के रास्ते को ज़्यादा नहीं ब्लॉक कर रही, वो इतना ज़्यादा नहीं परेशान करती हैं। मानव मूत्र में खनिज व एसिड लवण होते हैं। जब मूत्र में कैल्शियम ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ पदार्थों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, तब वो क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं जो गुर्दे से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता है और एक पथरी का रूप ले लेता है। जब गर्मी बहुत हो, शरीर से पसीना ज़्यादा आ रहा हो या पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा हो, तो उस समय हमें अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाना चाहिए। और इसमें जो है स्टोन प्रिवेंशन के लिए जो टारगेट है वो 24 घंटे में एक इंसान को 1.5 और 2 लीटर के बीच में यूरिन पास करना चाहिए। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूरा यूरिन जो पास कर रहे हैं 24 घंटे में एक बार नाप लेना चाहिए, उससे आइडिया हो जाता है कि कितना यूरिन आ रहा है। गुर्दे की पथरी का इलाज उसके आकार, पथरी के स्थान, संख्या और संरचना पर निर्भर करता है। आकार छोटा होने पर ये पत्थर मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी पथरी मूत्र के रास्ते में फंस सकती है जिससे पेशाब करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को गुर्दे की पथरी से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सीय उपायों की आवश्यकता होती है। आहार और जीवन शैली में परिवर्तन कर गुर्दे में पथरी होने की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फ्लूइड इनटेक से 2 फायदे होते हैं, एक तो स्टोन बनने का रिस्क कम हो जाता है, दूसरा अगर मान लीजिए कोई स्टोन बनता भी है तो जब वो 2-3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर के साइज़ का होता है तो स्पॉन्टेनियस पैसेज का चांसेस भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं विद अ गुड यूरिन आउटपुट। कोई ऐसी ज़्यादा डाइट खाई गई जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में आया या बहुत ऐसी डाइट खाई गई जिस वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीलेट आया, तो उससे स्टोन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसमें गाइडलाइन बड़ी सिंपल है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं, और दूसरा मिक्सचर ऑफ आइटम्स खाएं। जैसे अगर आपको साग लेना है, साग के साथ अगर थोड़ी सी दही लेते हैं, दही में कैल्शियम होता है, साग में ऑक्सीलेट होता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। और अगर आप मिक्सचर ऑफ आइटम्स थोड़े थोड़े अमाउंट में खा रहे हैं तो आपका स्टोन का रिस्क कम रहता है। गुर्दे में पथरी का सही इलाज करवाना जरूरी है, साथ ही आवश्यक है सावधानी रखना जिससे गुर्दे में पथरी से बचाव हो सके। किरण भारद्वाज, DD News।